बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुलेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बीएस और बीबीए प्रोग्राम से रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स हैं वो सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिसमें ये अभी जो रिसेंटली जो पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं पहले हम वो क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द ग्रेड्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स इन अ स्टैटिस्टिक्स क्लास आर गिवन बिलो। ग्रेड्स गिवन है, क्लासेस गिवन है, साथ फ्रीक्वेंसी है, हमने फाइंड करना है वेरियंस, मीडियन एंड मीन। तो पहले हम वेरियंस, मीडियन और मीन का फार्मूला लिख लेते हैं। वेरियंस के लिए, वेरियंस का जो फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, वेरियंस इज इक्वल टू सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर। मीडियन का फार्मूला जो इस क्वेश्चन के लिए यूज होगा, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू सुमेशन एफ ओवर टू माइनस सी। और मीन का जो फार्मूला मैं यूज़ करूँगा, मीन इज इक्वल टू सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ। ये फार्मूलाज हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम जो टोटल्स या जो वैल्यूज हमें चाहिए, हम उसके लिए टेबल कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में जो हमारे पास ग्रेड्स हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन, थर्टी टू थर्टी नाइन, फोर्टी टू फोर्टी नाइन, फिफ्टी टू फिफ्टी नाइन, सिक्सटी टू सिक्सटी नाइन, सेवेंटी टू सेवेंटी नाइन, एटी टू एटी नाइन एंड नाइन्टी टू नाइन्टी नाइन। और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसी है जी 3, 6, 5, 7, 10, 29, 12, 8। अब इन फार्मूलाज में जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, जो क्वांटिटीज यूज़ हो रही हैं, जो टोटल्स यूज़ हो रहे हैं, उसके लिए जो हमें कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, सी एफ का कॉलम हमने कैलकुलेट करना है, क्लास बाउंड्रीज हमने कैलकुलेट करनी है, एक्स को कॉलम फाइंड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को कॉलम फाइंड करेंगे, एफ एक्स का कॉलम फाइंड करेंगे और एफ एक्स स्क्वायर का कॉलम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम सी एफ को कॉलम फाइंड कर लेते हैं। सी एफ की वैल्यूज़ हम एफ की वैल्यूज़ की मदद से फाइंड करते हैं। सी एफ की वैल्यूज़ किस तरह कैलकुलेट करते हैं, फ्रीक्वेंसी की फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, फिर इसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, 3 + 6 इज इक्वल टू 9, इसमें नेक्स्ट को ऐड करेंगे, 9 + 5 इज इक्वल टू 14, 14 + 7 इज इक्वल टू 21, 21 + 10 इज इक्वल टू 31, 31 + 29 इज इक्वल टू 60, 60 + 12 इज इक्वल टू 72 एंड 72 + 8 इज इक्वल टू 80। एफ की वैल्यूज़ का टोटल कर लेते हैं। एफ़ की वैल्यूज़ का टोटल और सी एफ की के कॉलम की जो लास्ट वैल्यू होती है वो सेम होती है। एफ़ का टोटल करते हैं 3 + 6 + 5 + 7 + 10 + 29 + 12 + 8, तो समेशन एफ आ गया जी 80। एफ़ का टोटल और सी एफ की लास्ट वैल्यू, ये दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, तो हमारे भी इसमें सेम आ गए।
अब क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने से पहले जो क्वेश्चन में क्लासेस हैं आपने उनको चेक कर लेना है कि क्या वो क्लास बाउंड्रीज हैं या नहीं। उसके लिए आपने हर क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को देखना होता है। अगर तो एक क्लास की अपर और नेक्स्ट क्लास की लोअर सेम हो तो वो क्लास बाउंड्रीज हैं, अगर सेम नहीं है तो फिर वो क्लास लिमिट्स हैं और उनको हम क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। और क्लास बाउंड्रीज और सी एफ ओ कॉलम हम मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट 29 है और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट 30 है, तो ये दोनों सेम नहीं है। इसी तरह ये 39 और नेक्स्ट 40 है, तो लिहाजा ये क्लास लिमिट्स हैं, हम इनको क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे। और किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम किसी भी क्लास की लोअर लिमिट में से पिछली क्लास की अपर लिमिट को माइनस करते हैं और फिर 2 पे डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको हम लोअर लिमिट्स में से माइनस और अपर लिमिट्स में ऐड करते हैं। तो मैं सेकेंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट को माइनस करूँगा, 30 - 29 / 2। 30 में से 29 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आ गया। अब इस 0.5 को लोअर लिमिट्स में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे तो ये क्लास लिमिट्स क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट हो जाएगी। 20 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 19.5, 30 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 29.5 आ जाएगा, 40 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 39.5, 50 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो ये आ जाएगा 49.5, इसी तरह 60 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो 59.5 आ जाएगा, 70 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो ये आ जाएगा 69.5, 80 में से माइनस करेंगे तो 79.5 आ जाएगा और 90 में से 0.5 को माइनस करेंगे तो ये 89.5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब ये जो 0.5 आया था, इस 0.5 को अपर क्लास लिमिट्स में ऐड करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। 29 में ऐड करेंगे तो 29.5 आ जाएगा, 39 में ऐड किया तो 39.5 आ गया, 49 में 0.5 को ऐड करेंगे तो 49.5 आ जाएगा, 59 में ऐड करेंगे तो 59.5 आ गया, 69 में ऐड करेंगे तो 69.5 और नेक्स्ट आ जाएगा 79.5, 89.5 और लास्ट 99 में हम 0.5 को ऐड करेंगे तो 99.5 आ गया। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज की वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हमने x को कॉलम कंप्लीट करना है और x जो है, x के लिए हम हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट करता है, x जो है वो मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, x क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करता है। और मिड पॉइंट या क्लास मार्क क्या है, एवरेज ऑफ ईच क्लास, हर क्लास की एवरेज को हम मिड पॉइंट या क्लास मार्क कहते हैं और उसके लिए हम x यूज़ कर रहे हैं। तो आपने हर क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करना है और फिर 2 पे डिवाइड करना है। जैसे कि फर्स्ट क्लास की दो लिमिट्स जो हैं वो हैं 20 और 29, 20 + 29, तो पहले आपने ऐड करके इक्वल प्रेस करना है, ये आ गया 49, फिर डिवाइड प्रेस करके 2 प्रेस करना है तो ये आ जाएगा 24.5। अगर आपने इक्वल प्रेस किए बगैर डिवाइड किया लाइक दिस, ये देखिए 20 + 29 और साथ ही डिवाइडेड बाय 2 किया, इस तरह आपका आंसर जो है वो गलत आएगा, ऐसे 34.5 आ रहा है, क्योंकि इस तरह कैलकुलेटर पहले डिवाइड करेगा और फिर ऐड करेगा, जबकि हमने पहले ऐड करना है फिर डिवाइड करना है। फिर देखे एक दफ़ा 20 + 29 प्लस करके आपने इक्वल प्रेस करना है, जो सम आएगा उसको डिवाइड करना है 2 पे, तो x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 24.5। इसी तरह हम नेक्स्ट क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करेंगे तो 69 आएगा, उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 34.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करके हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 44.5। इसी तरह इस क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 54.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 129 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 64.5। 70 और 79 को ऐड करेंगे तो 149 आएगा और 149 को 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 74.5। एक्स की नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 84.5 और लास्ट क्लास की दोनों लिमिट्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो एक्स की लास्ट वैल्यू आ गई 94.5। अब एक्स की हर वैल्यू का स्केयर लेंगे तो एक्स स्केयर को कॉलम आ जाएगा, 24.5 का स्केयर आ जाएगा 600.25, 34.5 का स्केयर आएगा 1190.25, 44.5 का स्केयर है 1980.25, 54.5 का स्केयर आएगा 29
70.25, 64.5 का स्केयर है 4160.25, 74.5 का स्केयर आएगा 5550.25, 84.5 का स्केयर आएगा 7140.25 और 94.5 का स्केयर है 8930.25। अब नेक्स्ट कॉलम जो हमने कंप्लीट करना है वो एफ एक्स, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है, एफ और एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को सेम पोजीशन वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 24.5 से तो ये आ जाएगा 73.5, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 34.5 से तो ये आएगा 207। इसी तरह नेक्स्ट हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 44.5 तो ये आ गया 222.5। सेवन मल्टीप्लाई बाय 54.5 381.5। टेन मल्टीप्लाई बाय 64.5 645। 29 मल्टीप्लाई बाय 74.5 ये आ गया जी 2160.5। 12 मल्टीप्लाई बाय 84.5 ये आ गया 1014। 8 मल्टीप्लाई बाय 94.5 756। अब इस कॉलम का एफ एक्स का टोटल हमें चाहिए, समेशन एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यूज़ को हम एफ एक्स के कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 73.5 प्लस 7141.5 प्लस 99। एफ एक्स का टोटल हमने करना है इस कॉलम का 73.5 प्लस 207 प्लस 222.5 प्लस 381.5 प्लस 645 प्लस 2160.5 प्लस 1014 प्लस 756 तो ये टोटल आ गया 5460। अब जो हमारा लास्ट कॉलम है एफ एक्स के, जिस तरह हमने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया है इसी तरह हम एफ और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 600.25 के साथ तो ये आ जाएगा 1800.75, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1190.25 के साथ तो ये आ गया 7141.5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1980.25, 7 मल्टीप्लाई बाय 2970.25 तो ये आया जी 2071.75। नेक्स्ट 10 मल्टीप्लाई बाय 4160.25 तो ये आ गया जी 4160.25। 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 5550.25 के साथ तो ये आ गया 1609.57.25। 12 मल्टीप्लाई बाय 7140.25 इज इक्वल टू 85683। 8 मल्टीप्लाई बाय 8930.25 तो ये आ जाएगा 7142। अब इस कॉलम का हमें टोटल चाहिए समेशन एफ एक्स स्क्वायर, इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं। एटीन हंड्रेड पॉइंट सेवन फाइव प्लस
7141.5 प्लस 9901.25 प्लस 20791.75 प्लस 4160.25 प्लस 1609.57.25 प्लस 85683 प्लस 71442। तो ये टोटल आ गया 399320। अब ये वैल्यूज़ हम जो फार्मूलाज हमने स्टार्ट में लिखे उनमें पुट करते हैं। पहले हमने वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस का फार्मूला सुमेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ माइनस सुमेशन एफ एक्स ओवर सुमेशन एफ होल स्क्वायर। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। एफ एक्स स्क्वायर का टोटल है 399320 ओवर एफ का टोटल है 80 माइनस एफ एक्स का टोटल है जी 5460 ओवर 80 होल स्क्वायर। 399320 को डिवाइड करेंगे 80 पे तो ये आ गया 4991.5 माइनस 5460 को डिवाइड करेंगे 80 पे तो ये आ गया 68.25 और इसका स्केयर लेके लिखेंगे तो 68.25 का स्केयर आ गया 4658.0625। अब 4991.5 में से हम 4658.0625 को माइनस करेंगे तो वेरिएंस का आंसर आ गया 333.4375। वेरिएंस के बाद हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ इंटू समेशन एफ ओवर टू माइनस सी। तो इसके लिए पहले हम मीडियन क्लास फाइंड करेंगे और मीडियन क्लास के लिए हम समेशन एफ ओवर टू ये वाली टर्म जो है इसको यूज़ करते हैं। समेशन एफ ओवर टू समेशन एफ है 80 ओवर टू 40th वैल्यू। जिस क्लास में 40th वैल्यू फॉल कर रही है वो मीडियन क्लास है। 40th वैल्यू अब हम देखते हैं सी एफ के कॉलम की मदद से हम ये चेक करते हैं कि 40th वैल्यू किस में फॉल कर रही है। सी एफ की फर्स्ट वैल्यू है 3, इसका मतलब फर्स्ट 3 वैल्यूज़ 9, फर्स्ट 14 यानी 14 तक वैल्यूज़ इसमें है। 21 तक हमारी है 40th वैल्यू तो ये जो है 60th स्टार्ट से लेके 60 तक। तो ये जो क्लास है इस क्लास में 40th वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है लिहाजा ये है मीडियन क्लास। अब इस क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है 69.5 ये फार्मूले में जो L है उसकी वैल्यू है। L इज इक्वल टू 69.5 और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 29 ये जो फार्मूले में F है उसकी वैल्यू है 29 और इस क्लास से ऊपर वाली क्लास की जो CF की वैल्यू है जैसे कि 31 ये फार्मूले में जो सी या सी की वैल्यू है और इस क्लास का जो डिफरेंस है इस क्लास में जो गैप है यानी अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंस है वो है एज 79.5 माइनस इन दोनों को आपने माइनस कर लेना है तो एज आ गया 10। अब ये वैल्यूज हम फार्मूले में पुट करते हैं। मीडियन के फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। एल इज 69.5 प्लस एच 10 एफ 29 समेशन एफ 80 ओवर 2 माइनस सी 31। पहले आपने इस ब्रैकेट को सिंपलीफाई करना है। बाहर वाली टर्म्स एज इट इज 80 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 40। अब हमने 40 में से 31 को माइनस करना है ये आ जाएगा 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आ जाएगा 90
90 को 29 पे डिवाइड करेंगे, ये प्लस आपने सबसे लास्ट पे करना है। नाइन्टी को डिवाइड करेंगे 29 पे तो ये आ जाएगा 3.103। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे 69.5 प्लस 3.103 तो मीडियन आ गया 72.603। लास्ट पे नंबर 3 में हमने मीन फाइंड करना है, और मीन के लिए जो फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ एक्स है जी 5460 और समेशन एफ है 80। तो 5460 को डिवाइड करेंगे 80 पे तो मीन आ गया 68.25। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पास्ट पेपर में से एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया, और उस क्वेश्चन में हमने वेरियंस, मीडियन और मीन फाइंड करना था, और क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गिवन थी, और हमने उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जो है वो वेरियंस, मीडियन और मीन के पहले फार्मूलाज लिखे, फिर उन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग हमने टेबल कंप्लीट किया। टेबल कंप्लीट करने के बाद हमने फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट करके वेरियंस, मीडियन और मीन फाइंड कर लिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और मज़ीद नई वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।